सर मैं यूएसीपीए करने की सोच रहा हूँ, बट सर कंफ्यूज्ड हूँ सर, मैं आप 2023 के जो कुछ महीने रह गए हैं क्या इसके अंदर यूएसीपीए को करूँ या सर नेक्स्ट ईयर ले जाऊँ? सर 2024 से तो यूएसीपीए चेंज हो ही रहा है सर, तो क्यों नहीं नेक्स्ट ईयर करूँ सर? क्या आपको लगता है सर, क्या आप क्या बोलेंगे सर, क्या चीज़ बेटर है, अभी शुरू करना या 2024 में शुरू करना? क्या ये सवाल आपके पास भी है? इफ येस देन दिस वीडियो बिलोंग्स टू यू. But before we really go in there, let me introduce myself. My name is Pankaj Dhingra, and as you all know me by now, I am a proud FinTrammer. And of course, USCPA by profession. अच्छा बच्चे, अगर ये सवाल आपके मन में है ना कि मैं सर USCPA अभी शुरू करूं या अगले साल शुरू करूं, तो बच्चे मेरा ना एक सवाल आपसे है, क्या आप चाहोगे अपने करियर की एडवांसमेंट में, सैलरी इंक्रीज में, ग्रोथ में 6 महीने 5 महीने 7 महीने या जो भी वो टाइम अब रह गया है 2023 में, इतने का डिले आप चाहोगे कि मेरी सैलरी इंक्रीज या ग्रोथ उतनी डिले हो जाए? क्या आप चाहोगे? अगर नहीं तो ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए बच्चे. शुभस्ते शीघ्रम वाला जो कोट है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट होता है बच्चे, कि जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी ख़त्म करोगे बेटे. तो क्यों डिले करना है और क्यों मैंने अपनी ग्रोथ और अपनी एडवांसमेंट को डिले करने देना है या करने होने देना है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे, फटाफट से शुरू करना चाहिए और आगे बढ़ चलना चाहिए और फटाफट से इसको अचीव करके इसके बेनिफिट को रीप करना शुरू कर देना चाहिए. बट बच्चे ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि ऑफ कोर्स यू नो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी बनोगे और जितना जल्दी बनोगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी एंड दिस एंड दैट. ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है, बट इसके अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न और भी है बच्चे, जो मुझे लगता है यूएससीपीए हर बच्चे को जो अब टाइम रह गया है इसके अंदर फटाफट से शुरू कर लेनी चाहिए. और वो रीज़न है बच्चे जो सीपीए का एवोल्यूशन आ रहा है नेक्स्ट ईयर. आई एम श्योर यू नो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि यूएससीपीए में चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर. अगर नहीं जानते तो मैं ऊपर आई बटन में ना अपना वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैंने एवोल्यूशन के बारे में बताया है कि क्या क्या चेंज होने वाला है. बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक चीज़ जो होने वाली है वो ये कि जो बीईसी एग्जाम है, जो बिजनेस एनवायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट का एग्जाम है, वो अब नहीं होगा 2024 से. आपको इसकी जगह 3 डिसिप्लिन एग्जाम में से एक चूज करना होगा और फटाफट से क्लियर करना होगा. जैसा कि मैंने कहा, इससे वीडियो इससे रिलेटेड मैंने दे दिया है, फटाफट से उसे क्लिक करके उसे देखना चाहते हो तो देखो. अब बेटे चॉइस क्या है? बीईसी तो अगले साल से खत्म हो गया, 3 नए सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं जिसमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो क्या ये वाइज डिसीजन है कि मैं अब रजिस्टर होके इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, ये चीज छोड़ के मैं नेक्स्ट ईयर रजिस्टर करूँ और नए एग्जाम्स की तैयारी करूँ? क्या वाइज डिसीजन होगा बेटे? क्या ये वाइज डिसीजन नहीं होगा कि मैं बीईसी को अभी जानता हूँ सर, मैं समझता हूँ सर, इतने टाइम से सब्जेक्ट है सर, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल है सर, मैं इसको दे के फटाफट से क्लियर कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं ये क्लियर कर लूँगा तो अगले साल उन 3 डिसिप्लिन एग्जाम में से मुझे कुछ चूज नहीं करना होगा, मेरे को रिमेनिंग 3 एग्जाम देने होंगे, विच इज़ फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड ऑफ कोर्स द ऑडिट, जो मैं हर हाल में एनी विच वेज देने वाला हूँ, वो एग्जाम क्लियर करूँगा और मेरी सीपीए क्लियर हो जाएगी. क्या ये सही अप्रोच नहीं है? बिल्कुल सही अप्रोच है बेटे. ऐसा ही सोचना जरूरी है कि बीईसी एग्जाम क्योंकि खत्म हो रहा है और नेक्स्ट ईयर 3 नए एग्जाम आ रहे हैं, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रजिस्टर होकर फटाफट से इस साल बीईसी एग्जाम क्लियर कर लो तो बिल्कुल कर लो बेटे, ये 100% समझदारी की बात है. अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फाइनेंशियल ऑडिट और रेगुलेशन जो वैसे भी आपको देना है, वो अगले साल 3 एग्जाम देना और क्लियर करके आगे चल देना, डिसिप्लिन एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बीईसी अगर क्लियर हो जाता है तो डिसिप्लिन एग्जाम की तरफ हमें देखने की जरूरत है ही नहीं. बच्चे लास्ट अटेम्प्ट हैं कुछ बीईसी के, हो सकता है एग्जामिनर भी हमें सपोर्ट करे, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, बट हो सकता है एग्जामिनर भी सपोर्ट कर दे इन टर्म्स ऑफ यू नो वी क्लियरिंग दिस एग्जाम, जनरली जो यू नो किसी भी कोर्स क्लोजर के टाइम पे होता है, बट यू नो दिस इज नॉट सर्टन, आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स आउट इन माई माइंड, कि वो भी एक पॉजिटिव एडवांटेज आप लोगों को मिल सकती है. बट ये तो पक्का ही है बेटे कि आप कभी भी ऐसा कोई एग्जाम देते हो जो आपको पता है कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ, पुराना एग्जाम है, तो आपके पास प्रेसिडेंस होता है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होती है, क्वेश्चन बैंक होता है, नए सब्जेक्ट्स के लिए बच्चे वो दिक्कत आ सकती है. ऑफ कोर्स सीखते सीखते हम वो भी सीख जाएंगे,
बट वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, बच्चे पास होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी बच्चों को आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे, एक ऑफ कोर्स शुभस्ते शीघ्रम तो हमें करना ही है, फटाफट से हमें पास होना ही है। उसके ओवर एंड अबव, क्योंकि बीईसी का चेंज, ये एवोल्यूशन का जो चेंज आ रहा है, ये हमारे लिए अभी रजिस्टर होना और बीईसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत और बहुत हमें प्रेरित करता है। इस वजह से हमें अभी रजिस्टर हो जाके इसको फटाफट से क्लियर कर लेना चाहिए, अगले साल पे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स वॉट आई फील माई फ्रेंड, एंड दैट्स वॉट फिनट्राम इज रियली सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स, यू नो, टू ऑल आर स्टूडेंट्स, एंड ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर बीईसी, एंड आई एम श्योर दे विल क्लियर बीईसी कम व्हाट मे। So if you are thinking about, taking your next steps in relation to CPA, you know, reach out to us. I'm providing the details over here. I'll be more than happy to help you in your journey to become a qualified US CPA. I hope you like this video. If yes, then do subscribe to our channel Fintram Global. And I'm sure these videos would be very helpful to you in your US CPA journey. Because CPA bole to Fintram. I'll see you again, my friend, in the next video. Till then, this is Pankaj Dhingra, signing off.